क्योंकि वो फ्रंट लेग ओपन करो, ये अब ये यहाँ पे आएंगे। नुमान खान अंडर 19 फास्ट बॉलर है, 17 एज है। आज देखते हैं इसके वीकनेस क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, उस पर फोकस करते हैं। लाइट सी लेटर फ्लेक्शन है, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि बॉडी इसकी लेफ्ट पे गिर रही है। ये बड़ा कॉमन एरर होता है मोस्टली फास्ट बॉलर में, जब वो तेज़ करने की कोशिश करते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली जा रही होती है। आ जाए हनुमान, आपको क्या फील होता है जब आप बॉलिंग करते हो? तो जी, जब मैं बॉल करने के लिए जाता हूँ ना रन में, तो आखिर में जब गैदर वाले साइड गैदर जब मैं लेता हूँ, जब जान लगाने बॉडी मारने की कोशिश करता हूँ, लगता है कि बॉडी साइड पे गिर। हाँ जी, वही अभी मैंने बताया है कि वो लेफ्ट पे गिर रही है। इसके अलावा बॉल कहाँ पर गिरते हैं आपके? ज़्यादातर तो आगे मुँह पे गिरते हैं। मुँह पे गिरते हैं जी, ये भी गलत है ना बेटा। गुड लेंथ आपका 80% बॉल गुड लेंथ पे हो। अभी मैंने बताया कि जिस तरह आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, ये फुल लेंथ की है, तो इस पर तो चार्ट पढ़नी पड़नी है। ये तो एक बॉल होता है पूरे ओवर में, या दो बॉल होते हैं, ज़्यादा थोड़ा सा ना पीछे गुड लेंथ पे रखो। अच्छा, दूसरा ये है कि आप जो है ना वो थोड़ा सा ये करो कि जब आप लास्ट ओवर पे आते हो ना, तो उसके ढिल खड़े होके करो। आपकी बॉडी पूरी लेफ्ट पे जा रही है, इसको इसका हल यही है कि आप खड़े होके ये बॉडी को पूरा फ्रंट लेग पे लेके आओ। आपकी लेफ्ट लेग आगे आएगी, उसके ऊपर लेके आओ। ये ज़रा करके दिखाओ। अच्छा, दूसरा ये था कि आपका नॉन बॉलिंग आर्म जो है वो ऊपर नहीं हो रहा जी, वो हाई ओपन होना है तो पेस जनरेट होनी है, ये नीचे रह जाता है, बॉल वाला हाथ बहुत ऊपर आ रहा है। इसको ज़रा करो सही, ये देखो। पहले आप जब आप गैदर में आए हो ना, जब गैदर में आए हो तो उस वक्त ये नीचे होता है, ये बॉल वाला बहुत ऊपर चला जाता है। इसको पहले ही ऊपर लेके रखो, ये बॉल, ये नॉन बॉलिंग आर्म ये, और खुला हुआ ये, इसके ज़रा करो ये, और एकदम से नीचे नहीं गिराना। आप ये यहाँ पे रखते हो, ये बॉलिंग आर्म ये है, नॉन बॉलिंग आर्म ये है, एक तो यहाँ पे रखते हो, जब आप ऊपर लेके जाते हो तो इसको सीधा गिराते हो, नहीं इसको ओपन करना है, ये ये वाली, ये ज़रा खोलो स्लो में खड़े होके, ये खोला करो। हाँ, इसको हाँ, ये ऐसे सीधा आएगा, सीधा, ये बेंड नहीं होना, ये सीधा आना है, और ये पीछे जाएगा, दूसरा हाथ भी इसके पीछे जाएगा, करो ज़रा। हाँ, सीधे रहो, नीचे नहीं जाओ। दूसरा ये भी है कि ये बॉल से पहले ही गिर रहा है, ये बॉल अभी किया नहीं है और ये गिर चुका है, ये जस्ट ओपन रखेगा यहाँ पे तो इसके बॉल में पेस और अच्छी आएगी। ये यहाँ पे ये लेके आना है, बॉडी के साथ जस्ट पर लेके आना है, पूरे आर्म को बॉडी के साथ लेके आना है, ये करो ज़रा। चले आए, इधर आए थी, ड्रिल कराएं इसको। अब समझ लो कि आप जंप ले चुके हो, फ्रंट लेग ओपन करो, ये अब ये यहाँ पे आए, ये आपका क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये आए, इसको टाइट करो, ठीक है। अब ये जो एरिया है ना, ये आपकी नोज़ के सामने आए, ये फ्रंट ऑन है, आपका जो ना थोड़ा सा फ्रंट ऑन की तरफ है, जबकि सेमी साइड ऑन है आपकी, ये नोज़ के सामने आए या लेफ्ट आई के सामने रहे, ये बाहर जा रहा है, एक तो ये यहाँ पे रहे। अब इसको ऐसे खोलना है, ये देखो, आप नीचे चले गए हो, यही दिखाना था आपको, अब बहुत पहले नीचे चले गए हो। बॉडी जब आपकी ये पोजीशन बननी है तो बॉडी ये साथ रहेगी, अब इसके साथ ये बैक लेग भी उठानी है और बॉडी को भी लेके आना है। ये आप बॉडी पहले ले आते हो, हाइट कम हो जाती है, बॉल उठेगा नहीं, अनइवन नहीं होगा तो कैच का चांस नहीं रहेगा, स्विंग का चांस नहीं रहेगा। करो ज़रा हाथ, ये बिल्कुल सही, रोको नहीं, यहाँ पर आके रोकना नहीं है, रुक गया तो पेस ख़त्म हो गई। ये तेज़ी के साथ करो दोबारा, बिल्कुल सही, बेहतर हुआ है कुछ, शाबाश, दो तीन बॉल और करो, थोड़ा सा इधर हो जाओ बेटा, एक कर लो ना अभी, ठीक है। ये इसको रोको, ये देखो बेहतर हो गया, नॉन बॉलिंग का बेहतर हो गया, लेकिन ये एक दफ़ा ऊपर जा के नीचे आ रहा है, ये टाइम नहीं वेस्ट करना, इसको डायरेक्ट यहाँ पे रखना है, चेस्ट के पास और चिन के नीचे,
ये जो इतना टाइम जाया करते हो ना, ये जाके ये आते हो, इससे भी पेस कम होनी है। जो पावर आपने जनरेट की है ना गैदर में, ये लोड अप हुआ है तो लोड अप में ये फजूल है, इससे आपकी पेस कम नहीं होगी। डायरेक्ट आए हो, ये यहाँ पे रोको, ये चलो अभी दो तीन स्टेप से और बॉल करो, दो तीन स्टेप पे शाबाश। हाथ को थोड़ा सा कंट्रोल कर, बॉल वाला यहाँ पे आ गया, अब इसको और नीचे रख, ये यहाँ पे स्टिल रहे, शाबाश। नॉन बॉलिंग यहाँ पे थोड़ी तवज्जो दो, वो नीचे अभी भी, ये थोड़ा सा डाउन हो गया है, बेहतर है, लेकिन ये भी डाउन है, इसको थोड़ा ऊपर करना है, ये डाउन रहे, शाबाश। आओ इस पे फोकस करके आओ, ये अच्छा। अब दूसरा फेज जो था आपका, आप ये हो जाते हो, लास्ट फोर स्टेप थ्री स्टेप में आपकी बॉडी इस तरह हो जाती है, अभी नहीं हो रही, लेकिन जब आप पूरा रन अप लेते हो तो बॉडी इधर जाती है, इस पर कंट्रोल करो। अब दो तीन स्टेप और पीछे हो जाए, गुड। लैटरल फ्लेक्शन 10% है, लेकिन इतनी चल जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जाएगी। आओ एक बॉल और करो, यही आपकी ड्रिल है, आपने 5-6-7 स्टेप से यही ड्रिल करनी है। गुड, नेक्स्ट फेज जो इसका हम करेंगे ना, अभी तो ये ड्रिल यही करेगा, नेक्स्ट फेज इसका ना, आप ये थोड़ा फील करो कि यहाँ पे आके इसकी बॉडी रुक रही है, और जब हल्की सी भी रुक गई तो वो पेस कम होगी, वो हम नेक्स्ट करेंगे। अभी ये ड्रिल जो है ना, आप यही करते रहो, तो 5-6 स्टेप से आओ, पूरा ऊपर आओ, नॉन बॉलिंग आप ऊपर, बॉलिंग आप ये, और बिल्कुल सीधा लग के ऊपर बॉडी लेके आओ, थोड़ा सा लेट इसको लेके आओ, आप पहले लेके आ रहे हो चेस्ट को, जब आप इस पोजिशन पर आते हो चेस्ट को थोड़ा सा ये ओपन कर लो बस, इससे ये होगा कि आप पूरा चेस्ट का भी जोर लगेगा साथ, चेस्ट पहले गिर गई तो सिर्फ बाजू का जोर लगेगा, शाबाश। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।